कच्चे तेल के दाम आसमान पर है, तेल कंपनियों में कसमसाहट है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $119 हुआ है। लगातार बढ़ते दामों से भारतीय बाजार में हलचल मची हुई है। अभी सामान्य दर से लगभग $40 ज्यादा है कच्चे तेल की कीमत। तेल कंपनियों को पेट्रोल में ₹7 प्रति लीटर घाटा हो रहा है, जबकि डीजल पर तेल कंपनियों को ₹24 प्रति लीटर घाटा हो रहा है। तेल कंपनियां राहत के लिए केंद्र का मुंह ताक रही है। इधर प्रदेश में घाटे और स्टॉक की कमी के चलते आपूर्ति प्रभावित हुई है। तेल कंपनियां डीलर्स को नहीं दे रही है डीजल की पर्याप्त आपूर्ति। ये बड़ी और अहम खबर और सीधे आपसे जुड़ी हुई ये खबर। कच्चे तेल के दाम आसमान पर है तो वहीं तेल कंपनियों में कसमसाहट है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $119 हुए हैं। लगातार बढ़ते दामों से भारतीय बाजार में हलचल मची हुई है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, देखिए केंद्र की ओर से ये प्रयास किया गया कि आम लोगों को राहत दी जाए, उसके लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई, पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बेतहाशा वृद्धि जारी है। अब क्या वापस से दाम बढ़ जाएंगे? देखिए आयुषी, जिस तरह की हालात अभी वापस से बन रहे हैं वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि एक बार कच्चे तेल के दाम $90 प्रति बैरल तक आ गए थे, लेकिन पिछले 3-4 दिन से लगातार इसमें वृद्धि हो रही है और आज तो बेतहाशा वृद्धि हुई और $119 के स्तर पर पहुंच गए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम। इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो भारतीय तेल कंपनियां हैं उनको पेट्रोल पर करीब ₹7 प्रति लीटर और डीजल पर करीब ₹24 प्रति लीटर तक घाटा हो रहा है। और पिछले दिनों जिस तरह से सेंट्रल केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल एक्साइज की जो एक्साइज ड्यूटी हटाई थी पेट्रोल और डीजल के ऊपर से, आम जनता को तो इससे राहत मिली थी, करीब ₹9.5 का जो अंतर पड़ा था, लेकिन तेल कंपनियों को किसी तरह की राहत नहीं मिली थी। तेल कंपनियां अभी भी बहुत ही गहरे घाटे से जूझ रही है। ऐसे में हो सकता है इस तरह की आशंका है, क्योंकि जो ट्रेंड आ रहा है बाजार मार्केट से, जो ट्रेंड उठ करके आ रहा है पेट्रोल डीजल के दामों का, उसमें पेट्रोल में ₹7 तक की और डीजल में ₹24 तक की वृद्धि होनी बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से केंद्र ने पिछली बार राहत दी थी, तो ऐसा नहीं है कि तेल कंपनियां एकदम से पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन ये तय है कि तेल कंपनियां वापस से एक बार आंशिक जो वृद्धि करती है, रोजाना 50 पैसे या 60 पैसे की वृद्धि, उस तरह का दौर एक बार फिर शुरू हो सकता है अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में कमी नहीं आई तो। निर्मल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, अभी भी जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी तक थमा नहीं है, लगातार रूस की तरफ से हमले जारी हैं, तो ऐसे में जो यूक्रेन से जो आपूर्ति होती थी कच्चे तेल की वो पूरी तरह से बंद पड़ी है और उसके ऊपर जो भारतीय तेल कंपनियां हैं सीधे तौर पर रूस के ऊपर निर्भर हो गई हैं। रूस से तेल का जो आयात है, कच्चे तेल का आयात, वो लगातार बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जितनी मांग और आपूर्ति, देखिए जिस तरह से गर्मी में क्या होता है आयुषी, तेल के दाम खासकर पेट्रोल जो डीजल है दोनों की जो मांग है वो काफी बढ़ जाती है, दोनों की मांग में 40% तक की वृद्धि हो जाती है। ऐसे में उसकी आपूर्ति कर पाना बड़ा कठिन साबित हो रहा है। मांग और आपूर्ति का जो अंतर है वो 50% के स्तर तक पहुंच गया। ऐसे में लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वो कच्चे तेल के दाम में, खासकर भारतीय पॉकेट में, उसमें लगातार वृद्धि जारी है और जिस तरह का ट्रेंड है अगले पखवाड़े तक अभी ऐसी वृद्धि का दौर चल सकता है, तो ऐसे में एक बार फिर तेल कंपनियां दाम बढ़ाने पर मजबूर हो सकती हैं। बिल्कुल निर्मल, और आने वाले वक्त में आम लोगों को हो सकता है कि महंगाई के झटके के लिए तैयार भी रहना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।